तो क्या मरियम बीबी के ऊपर आइन कोई और लगता है? मरियम बीबी मार्स पे रहने वाली है, वो शहजादी है इस मुल्क की, नवाज शरीफ बादशाह है इस मुल्क के, कि वो 50 रुपए का स्टाम्प देके एक कन्विक्टेड आदमी जिसको सजा हुई हुई है वो 50 रुपए का स्टाम्प देके बाहर चला जाता है। इस टाइम मोहसिन लगारी जिस लीड से जीत रहे हैं वो है आवाम की आवाज, सुबह से पता चल रहा है। हालांकि बदतरीन प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की गई, उनके तमाम वोटर सपोर्टर्स के ऊपर पर्चे किए गए, उनकी गाड़ियां कल रात रोक दी गई, हमारे एक वहां के लोकल लीडर के घर को आग लगा दी गई। आपने सब कुछ देखा। इस सब के बावजूद आवाम डट के आज इमरान खान के साथ खड़ी है। आज मरियम सफदर जो कि अशराफिया में से हैं, वो दो सिटिंग जजेस की तस्वीरें दिखाती हैं, उन्हें वो ब्लैकमेल करती हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करती हैं, उन्हें स्कैंडलाइज करती हैं, उनके फैसलों को गलत कहती हैं, उनके किए हुए फैसलों को बददियानती कहती हैं। आज 4-5 दिन गुजर गए, कोई तौहीन अदालत नहीं जुम्बश में आई, किसी मोजस जज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या इमरान खान और मुल्क का बाशिंदा है? क्या इमरान खान के लिए इस मुल्क में आइन और कानून और है? क्या हमारे लिए आइन और कानून और है? हम एक आम बात करते हैं तो हमारे पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। ये खातून जो है, इसने कहां कहां हमले की बात नहीं की, इसने अपनी बातों में कोर्ट्स पे हमले की बात की। राणा सनाउल्ला ने जजेस को कहा कि आपने और आपके बच्चों ने यही रहना अगर आपने फैसला दिया। क्या ये लोग जजेस को धमकियां नहीं देते? क्या इन्होंने अभी उन्हें स्कैंडलाइज नहीं किया? तो इनके ऊपर कानून की रिट क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। सबसे पहले तो मैं कासिम खान सूरी जो प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान के, और हमारी पूरी तंजीम और हमारा यूथ विंग और हमारे तमाम अकाबरीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा प्यार दिया और आज भी यहाँ पर आने पर बेशुमार प्यार बेशुमार इज्जत से नवाजा। मैं आपका कर्जदार हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का जो नज़रिया है हकीकी आज़ादी का, इमरान खान का जो नज़रिया है कि पूरे पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी जहां भी बसता है उसके बराबरी के हकूक हैं, उस पाकिस्तानी को बराबरी की तमाम आसाइशें मिलनी चाहिए, हकूक भी बराबरी के होने चाहिए, जिम्मेदारी भी बराबरी की होनी चाहिए। उसमें बलूचिस्तान सफ़े अव्वल पर रहा इमरान खान की तरजीहात में। बदकिस्मती से बलूचिस्तान पिछले 75 साल में इग्नोर हुआ। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि हम पंजाब से रहने वाले लोगों को इसका इदराक नहीं है, बिल्कुल है। इस पर शर्मिंदगी भी होती है कि ये इसी वतन का एक हिस्सा है जिसके शहरियों का उतना ही हक है, लेकिन इसको बैकवर्ड रखा गया। यहाँ पर उस तरह की यहाँ के उसमें कसूर यहाँ के सियासतदानों का भी है, तमाम स्टेक होल्डर्स का है, लेकिन इमरान खान की तरजीहात में मैंने हमेशा बलूचिस्तान को अव्वलीन पाया। आपको फख्र होना चाहिए कि आपने इस बेटे को यहां से इलेक्ट करके भेजा। इसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान के आइन की इज्जत रखी। इसने एक ऐसी रूलिंग दी जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक थी उस वक्त, और उसकी जरूरत थी पाकिस्तान के आइन को। अगर वो रूलिंग आज भी होती तो आप देखते कि ये जो कुछ कयास मचा हुआ है ये शायद ना मचता। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मुकदमात बने हैं, बहुत सारे मुकदमात को फेस कर रहा हूं, बहुत सारे मुकदमात को शायद आइंदा भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपसे यह वादा है कि जो इमरान खान का नजरिया है उसके ऊपर पाकिस्तान आया था, उसके ऊपर खड़ा हूं, उसी के ऊपर इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। आप सबकी आवाज जो है वो कासिम खान सूरी हो, फवाद चौधरी हो, आजम खान सवाती हो, असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, वो तमाम लोग जो इस टाइम जिंदान के पीछे हैं, जो हो आए हैं जेल से या इस टाइम जेलों के अंदर हैं, वो तमाम के तमाम लोग आपकी आवाज हैं, तवाना आवाज है, और वो अपने कप्तान के पीछे हर वक्त खड़े हैं। हमें इन दूर दराज इलाकों में जो वहां से, मैं कोयटा की बात नहीं कर रहा, आगे पसनी और उन इलाकों की बात कर रहा हूं, वहां पर FIR की जाती हैं जहां 28 घंटे लगते हैं पहुंचने में, इसलिए की जाती हैं कि आपको परेशान किया जाए, आपको तंग किया जाए, आपको हरास किया जाए। जैसे इन्होंने कहा एक वाकया कहीं और होता है, आइन कानून PPC सब कुछ क्लियर है कि यहां वो मुकदमे नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है जिसकी तमाम पुलिस सारे लोग उसके पाबंद हैं, लेकिन उन जजमेंट्स का मजाक उड़ाया जाता है, उन मुकदमात को किया जाता है। कोई बात नहीं, हम ये बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि ये कीमत है पाकिस्तान की जमहूरियत की, ये जमहूर की कीमत है।
शहबाज गिल शहबाज गिल शहबाज गिल शहबाज गिल। मैं आपके सामने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूं। जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा था तो खान साहब ने गैर दानिस्ता तौर पर एक बात कही, जब मेरा रिमांड दिया गया कि जज साहबा जो मौजूद जज साहबा उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस बात का मतलब कुछ और लिया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। आज मरियम सफदर जो कि अशराफिया में से हैं, वो दो सिटिंग जजेस की तस्वीरें दिखाती हैं, उन्हें वो ब्लैकमेल करती हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करती हैं, उन्हें स्कैंडलाइज करती हैं, उनके फैसलों को गलत कहती हैं, उनके किए हुए फैसलों को बददियानती कहती हैं। आज चार पांच दिन गुजर गए, कोई तौहीन अदालत नहीं जुंबश में आई, किसी मौजूद जज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या इमरान खान और मुल्क का बाशिंदा है? क्या इमरान खान के लिए इस मुल्क में आइन और कानून और है? क्या हमारे लिए आइन और कानून और है? हम एक आम बात करते हैं तो हमारे पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। ये खातून जो है, इसने कहां कहां हमले की बात नहीं की, इसने अपनी बातों में कोर्ट्स पे हमले की बात की। राणा सनाउल्ला ने जजेस को कहा कि आपने और आपके बच्चों ने यहीं रहना अगर आपने फैसला दिया। क्या ये लोग जजेस को धमकियां नहीं देते? क्या इन्होंने अभी उन्हें स्कैंडलाइज नहीं किया? तो इनके ऊपर कानून की रिट क्यों नहीं है? हम तो मुकदमे पे, मैं तो मुकदमे केपी में मेरे पे मुकदमे हैं, पंजाब में मेरे पे मुकदमे हैं, सिंध में मेरे पे मुकदमे हैं, बलूचिस्तान में मेरे पे मुकदमे हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहे हैं और हम तैयार हैं आगे भी। लेकिन बात यह है कि क्या इन पे कोई और कानून है? ये किसी और मुल्क के शहरी हैं। तो बात यह है कि पहले शायद पाकिस्तान में ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग इस जुल्म से वाकिफ थे जो शायद बड़े शहरों में रहने वाले लोग नहीं थे। आज ये जो वाकया हुआ है रजीम चेंज का, इसमें अब पूरा पाकिस्तान इससे वाकिफ हो गया है। जेल भरो तहरीक में आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, किस तरीके से हमारे जो सीनियर कार लीडरान हैं, शाह महमूद कुरैशी हो या असद उमर हो, उन्हें दवाई तक नहीं दी जा रही, उनके बुनियादी हकूक नहीं पूरे किए जा रहे, उन्हें किसी जज के सामने पेश नहीं किया जा रहा। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें छोड़ दें, हम कह रहे हैं उन्हें जज के सामने पेश करें। हमारे जो वर्कर्स हैं उनके बुनियादी हकूक नहीं पूरे किए जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ अवाम का जो जन्नाटेदार सियासी थप्पड़ है इनके मुंह पे, वो आप अभी देख सकते हैं। जो अभी अगर नतीजा बदला ना गया तो आपको डीजी खान में नजर आ रहा है इस टाइम क्या हो रहा है। इस टाइम मोशन लगा रही जिस लीड से जीत रहे हैं वो है अवाम की आवाज, सुबह से पता चल रहा है। हालांकि बदतरीन प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की गई, उनके तमाम वोटर सपोर्टर्स के ऊपर पर्चे किए गए, उनकी गाड़ियां कल रात रोक दी गई, हमारे एक वहां के लोकल लीडर के घर को आग लगा दी गई। आपने सब कुछ देखा। इस सब के बावजूद अवाम डट के आज इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान ने डट के, अवाम ने डट के आज बल्ले को वोट दिया है और जो लीड है वो आपके सामने है। अब कोई आरटीएस ना बैठ जाए, अब कुछ और ऐसा ना हो कि रात को रिजल्ट बदल जाए, वरना मोशन लगा रही इंशाल्लाह आपको बड़ी लीड से जीतते नजर आएंगे। तो मैं आखिर में आपके सामने ये पेश करना चाहता हूं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। हमारे मौजूद जज साहबान जिनके बारे में मरियम साहबा बहुत सारी बातें कर रही हैं, मेरा भी एक केस उनके सामने गया था। हो सकता है मुझे उस केस में ना लगाओ कि उन्होंने मुझे वो इंसाफ दिया जो मुझे चाहिए हो, हो सकता है मेरे दिल में हो कि वो बेहतर कर सकते थे मेरे लिए फैसला उसमें, लेकिन मैंने तो इन्हीं मौजूद जज साहबान की शान में गुस्ताखी नहीं शुरू की, क्योंकि मेरे मुकदमे को उन्होंने वो इंसाफ नहीं दिया जो मुझे चाहिए तो मैं उनके ऊपर गलाजत फेंकना शुरू कर दूं। मैंने तो नहीं ये किया, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान का आइन मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो क्या मरियम बीबी के ऊपर आइन कोई और लगता है? मरियम बीबी मार्स पे रहने वाली है, वो शहजादी है इस मुल्क की, नवाज शरीफ बादशाह है इस मुल्क के, कि वो 50 रुपए का स्टाम्प देके एक कन्विक्टेड आदमी जिसको सजा हुई हुई है वो 50 रुपए का स्टाम्प देके बाहर चला जाता है, जो भेजता है उसको वजीर आजम बना देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान जिसपे गोलियां लगी हुई हैं, जो अभी तक बेचारा उनकी टांग अभी तक ठीक नहीं हुई, उनको रोज उनके वारंट इशू कर दिए जाते हैं, रोज उनको बेले लेनी पड़ती हैं, रोज उनको हरास करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इमरान खान डट के खड़ा है, खड़ा रहेगा। वो इस अवाम की आवाज है, वो नहीं झुकने वाला, वो नहीं डरने वाला, उसका अल्लाह पे ईमान है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह इस अवाम को और इसके लीडर को सुरखरू करेंगी। एक दफा आखिरी बात, आखिर पे आपकी, सबसे पहले आपकी ISF, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं जिन मुश्किल हालात में यहां पर वो परफॉर्म करते हैं।
उसके बाद कासिम खान सूरी की क्यादत में ये मुश्किल तरीन सूबा है सियासत करने के लिए, हमें पता है इस बात का, सबको अदराक है। आप लोग वो वॉरियर्स हैं जिनकी कहीं मिसाल नहीं मिलती, आप सब फख्र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान की आवाम का। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कासिम खान सूरी हो या हमारे जनरल सेक्रेटरी हो या हमारी पूरी जितनी भी यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर है, हम सब आपसे बेहद प्यार करते हैं, आप सब हमारी हमेशा दुआओं में होते हैं, आप सब हमारी प्रायोरिटी में हैं। और मैंने खान साहब से भी रिक्वेस्ट की है, कासिम खान सूरी से भी करूंगा कि यहां से जो यंग लोग हैं हमारे ISF हों या दूसरे हों उनको टिकटें दे के हलकों में उतारा जाए ताकि ये जो रोटन सिस्टम है इससे हमारा छुटकारा हो। बिल्कुल कानून से डरना चाहिए और मैं हमेशा डरता हूं, कभी भी नहीं कहा कानून से नहीं डरते। आपने कहा एक तरफ आप कानून की बात करते हैं दूसरी तरफ कानून से डरते हैं, तो ये नहीं, कभी नहीं ललकारा कानून को कभी नहीं ललकारा। हम तो गासिबों को ललकारते हैं, हम तो जो कानून की अब्यूज करते हैं उनको ललकारते हैं। हम मरियम सफदर नहीं है, ना हम कानून को ललकार सकते हैं या ना कानून नाफिज करने वाले जजेस को ललकार सकते हैं। हम कानून का भी एहतराम करते हैं और कानून नाफिज करने वालों का भी एहतराम करते हैं। हाँ, हम गासिबों को जरूर ललकारते हैं जो हमारे ऊपर मसलत करते हैं जुल्म को। देखिए, जो चेयरमैन है उन्होंने बड़े क्लियरली वो किसी शख्सियत को शख्सियत की वजह से तनकीद का निशाना नहीं बनाते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक ही खूबी है, वो किसी शख्स से जाती दुश्मनी नहीं रखते, मैंने नहीं देखा, हो भी तो भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं। वो जो तनकीद करते हैं वो उन इश्यूज पर करते हैं, और अगर वो उन इश्यूज पर गलत करते हैं तो आप उसका जवाब सामने लाएं।